बिहार में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्व के 6 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में कोल्ड डे की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन तक ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे राज्य में कई जगहों पर शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। क्या है कि अभी जो आप देख कह रहे हैं कि ठंड पड़ रही है, तो बिल्कुल ठंड पड़ रही है। जो आप दिन का तापमान आप देखेंगे तो सामान्य से करीब करीब राज्य में 4 से 5 डिग्री कम है। हर जगह आप राज्य के अलग अलग जिलों में जो भी है सामान्य से 5 से 6 डिग्री, इवन पटना में कल जो था 8 डिग्री सामान्य से जो अधिकतम तापमान वो कम था, जितना होना चाहिए था उसके करीब 8 डिग्री कम था। हमारे कहने का मतलब ये है, इसका रीज़न ये है कि एक जो फॉग बनता है, जैसे इस सीज़न जो ठंडी में फॉग बनने का जो प्रक्रिया होता है, ये फॉग बना यहाँ से लेकर के, परंतु ये जो फॉग है लिफ्ट हो गया। मतलब अभी आप देखेंगे कि ऊपर आसमान में एक लेयर छाया हुआ दिन भर बादल जैसा है, तो वो फॉग लिफ्ट होकर ऊपर चला गया। बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग विवशता में अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। इस हाड़ कपाती ठंड की वजह से बिजली के उपकरणों की मांग बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग जमकर हीटर, ब्लोअर और गीजर खरीद रहे हैं। ठंड को देखते हुए मार्केट में सेल हो गया हर प्रोडक्ट का, क्योंकि ठंड भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा 2-4-5 दिन से बढ़ गई है, और उसी कारण से लोग बचने के लिए ठंड से हीटर का प्रयोग, हीटर खरीद रहे हैं मार्केट में। हीटर तो 3-4 प्रकार के तो मार्केट में आते हैं, लेकिन ज़्यादा भी डिमांड हैलोजन हीटर का ही ज़्यादा है, जिसमें आपको गर्मी भी अच्छा मिलता है उसमें और रोशनी भी उसमें रहती है, तो हैलोजन हीटर का मार्केट में थोड़ा ज़्यादा डिमांड है। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री नीचे आ गई है। इस कड़ाके की ठंड से सबसे अधिक परेशानी दैनिक मजदूरों को हो रही है, जो अलहे सुबह काम पर जा रहे हैं। वहीं अब ठंड के चलते अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी बढ़ने लगी है, और ठंड के चलते हुई मौतों का आंकड़ा भी धीरे धीरे अब बढ़ने लगा है। ऐसे में डॉक्टर लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। ठंड जो है अमूमन परेशानी दो लोगों को, यानी कि जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत देता है। जो यंग लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, उनके अंदर बॉडी कैपेसिटी इतनी अच्छी रहती है कि वो लोग काफ़ी हद तक उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो खासकर नवजात बच्चे हैं उनमें काफ़ी दिक्कत होती है। कोल्ड ब्रीज से जो है उनको अक्सर सांस की जकड़न बढ़ जाती है। तो जो जिस रेगुलर मेडिकेशन पे हैं, जो पंप चलते हैं, या जो उन डॉक्टर एडवाइस करते हैं, उनसे टच में रहें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब दिक्कत बढ़ जाती है तब मिलते हैं, तो एक फॉलोअप करा लें, बीच बीच में डॉक्टर से मिलते रहें इस मौसम में जो 3 महीने सर्दी है। बहरहाल बिहार में ठंड थमने वाला नहीं है। ऐसे में अगर जरूरी ना हो तो आप अपने घरों से बाहर ना निकले, लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। राजधानी पटना सहित पूरा सूबा इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। इवन की बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कोल्ड वेव चल रहा है, और मौसम विभाग की माने तो यह कोल्ड वेव भी आने वाले दिनों में लगातार जारी रहेगा। यानी बिहार वासियों को भी फिलहाल ठंड से निजात नहीं मिलने वाली है, लेकिन सबके बीच एक बड़ा सवाल यह उठता है कि जब सूबे में इतने कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो आखिर प्रशासनिक और सरकारी व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है। पटना से अपने सहयोगी मणिभूषण के साथ SK राजीव, समाचार प्लस।